हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नई एक रियल हॉरर स्टोरी में। दिल थाम के बैठ जाइए। रोहन और संजय अपने बुलेट पर राइड के लिए निकलते हैं। वो दोनों दिल्ली से हिमाचल का सफ़र कर रहे थे। सुबह से रात हो गई, वो लोग हिमाचल तक पहुंच गए थे, पर अभी भी अपनी मंजिल से काफ़ी दूर थे। रोहन, भाई यहीं कहीं रुकने का इंतज़ाम करते हैं। संजय, यहाँ तो दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा है, थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। संजय, अरे यार, एक तो पूरे दिन से बाइक चलाकर हमारी कमर टूट गई, ऊपर से कोई कमरा भी नहीं मिल रहा है। वॉचमैन, मैं तुम्हें अंदर तो नहीं जाने दे सकता, पर अगर तुम चाहो तो मेरे साथ कैबिन में रह सकते हो। यहाँ सोने के लिए बिस्तर भी है और तुम दोनों के लिए खाना भी दे सकता हूँ। रोहन, चलेगा अंकल, आप तो ग्रेट हो, आप जैसे दिलदार इंसान कहाँ मिलते हैं। दोनों लड़के वॉचमैन के कैबिन में गए, फिर वॉचमैन ने उन दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय बनाई। क्योंकि ठंड बहुत थी तो दोनों दोस्तों ने चाय को बहुत एंजॉय करके पी। वॉचमैन ने दोनों को खाना भी दिया। दोनों ने भरपेट खाना खाकर अंकल को थैंक यू बोला और कहा, आपने हमारी बहुत मदद की। वॉचमैन, कोई बात नहीं बेटा। रोहन, अंकल यह तो एक पुराना लॉन्च लग रहा है, क्या लॉज में रुकने की व्यवस्था नहीं है? इस लॉज के अंदर जाने की परमिशन नहीं है क्या? वॉचमैन, ये बहुत लंबी कहानी है बेटा। संजय, कहानी वैसे हमारे पास बहुत टाइम है, आप सुनाइए, मज़ा आएगा। वॉचमैन, ठीक है, आज से 10 साल पहले की बात है, तुम्हारी तरह 3 राहगीर इस ओर आए थे। उन तीनों का नाम करण, मनोज और विनय था। उस समय इस लॉन्ज में लोग ठहरा करते थे। तीनों एक कमरे में ठहर गए, कमरा नंबर 111। मनोज, कल सुबह होते यहाँ से आगे चलेंगे। विनय, हाँ वैसे भी इस इलाके में बहुत वीरान जंगल है। करण, हाँ वो तो है, पर अच्छा है कि इलाके में ये लॉन्ज है, वरना हम सब क्या करते। मनोज, क्या करते, क्या मतलब, खुले आसमान में सोते। और खाते क्या घास फूस। वो लोग आपस में बातें कर ही रहे थे, अचानक उन्हें एक किसी लड़की की हंसी सुनाई दी। करण, इस लॉन्ज में कोई औरत है लगता है। मुझे तो ये हंसी अपने कमरे के अंदर से सुनाई दे रही है। उसमें से एक लड़का बाहर जाकर देखा तो वो हंसी बाहर से भी सुनाई दे रही। वे लोग हंसी कहाँ से आ रही है ये खोजने लगे। अचानक लॉन्च की बिजली चली जाती है और उनके सामने वो लड़की भी सुजान का बस चेहरा ही नज़र आ रहा है। मनोज, आप कौन हैं, हमारे कमरे में क्या कर रहे हो। सुजान हंसती रही और हंसते हंसते तीनों राहगीरों को मौत के घाट उतार दिया। अगली सुबह बस हमें उन तीनों की लाश में। रोहन, कौन है सुजान और इसका भूत इस लॉन्च में कैसे आया और उसके साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए सुजान की कहानी सुननी पड़ेगी। 11 साल पहले की बात है, हमेशा की तरह टूरिस्ट हिमाचल घूमने के लिए आया करते थे और कई टूरिस्ट शिमला में भी ठहरा करते थे। ऐसे ही एक टूरिस्ट ग्रुप में सुजान यहाँ आई थी। सुजान कमरा नंबर 111 में ठहरी। उस समय लॉन्च के सारे कमरे फुल थे। सुजान बहुत ही खूबसूरत थी, सुनहरे बाल, गोरा रंग, हर एक की नज़र सुजान पर ही थी। सुजान और उसके दोस्त 2 दिनों तक शिमला में ही रुके थे। वो यहाँ एक पहाड़ों की तस्वीर ले रही थी। रात में वो अपने अपने कमरे में सोने चले गए
और अचानक आधी रात को सुजान के कमरे में चीखने की आवाज़ सुनाई दी। उसके दोस्त और हम लोग वहाँ पहुँचे। सुजान जोर जोर से चीख रही थी। हमने मिलकर दरवाज़ा तोड़ दिया पर अंदर कोई नहीं था। उसके दोनों दोस्त कमरे के अंदर गए और सुजान को ढूंढने लगे और फिर अचानक सबको सुजान के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। सबने ऊपर देखा तो सुजान छत पे चिपकी हुई थी और जोर जोर से हंस रही थी। ये मंजर देखते ही हम लोग वहाँ से भाग गए और उसके दोनों दोस्त वहीं फंस गए। दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और फिर हमें सुजान के दोस्तों के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। किसी में हिम्मत नहीं थी कि उन लड़कों को बचा सके, पर हम सब अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग गए। अगले दिन हमें सुजान और उनके दोनों दोस्तों की लाश मिली। दोनों दोस्तों का शरीर टुकड़े टुकड़े हो चुका था और सुजान का सर धड़ से अलग था। पता नहीं उस कमरे में क्या हुआ। मनोज, ये तो बहुत अजीब हुआ, लेकिन सुजान के साथ आखिर क्या हुआ? वॉचमैन, पता नहीं, उस दिन के बाद से ही इस लॉन्ज में जो भी रहने आया उन सब की बस लाशें ही मिली। शिमला के लोगों ने इस लॉन्ज को बंद कर दिया और यहाँ किसी को रहने की अनुमति नहीं दी। अंकल जी, आपको कुछ क्यों नहीं हुआ? वॉचमैन, अब ये तो खुद सुजान ही जानती है। वैसे रात बहुत हो चुकी है, कुछ घंटे सो जाओ तो। वॉचमैन गहरी नींद में सो गया। संजय और रोहन को नींद नहीं आ रही थी। अब वो लोग दबे पांव लॉन्च की ओर बढ़ गए। लॉन्च में अंधेरा था। रोहन ने अपनी टॉर्च चलाई। रोहन कमरा नंबर 111 ढूंढते हुए उन लोगों को कमरा नंबर 111 की तलाश की और कमरे के अंदर जाते ही दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। रोहन टॉर्च से देखने की कोशिश कर रहा था, तभी उसके सामने एक औरत थी। दोनों की चीख सुनकर बुड्ढे वॉचमैन की नींद खुल गई। वॉचमैन, हे भगवान, मना किया था इन्हें अंदर जाने का, लेकिन ना जाने ये क्यों अंदर चले गए। आजकल के बच्चे बड़ों की बात कहाँ सुनते हैं। वॉचमैन अपना सर पकड़कर बैठ गया क्योंकि वो जानता था संजय और रोहन की मदद नहीं कर सकता। ना जाने ये भूतिया लॉन्च और कितने लोगों की जान लेगा। थैंक यू दोस्तों, कहानी अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।